तो गाइस रिसेंटली टिकटॉकर्स वर्सेस यूट्यूबर्स की हुए भसड़ की वजह से इस पापा की परी की गांड बहुत ज्यादा मारी गई है, तो चलिए हम भी इसकी गांड थोड़ी लाल कर ही देते हैं। दैट्स योर बॉय आमिर सिद्दीकी। तेरी माँ को कभी छोड़ा हम लोग का बेटा कैसे हो गया तू? गाइस शायद हमारे कम्युनिटी वाले लोग को कंटेंट कॉपीराइट के बारे में नहीं पता रहेगा, लेकिन मेरे को अच्छे से पता है और आप लोगों को भी अच्छे से पता है। वाह, मतलब लिपसिंग वीडियोस तुम बनाओ दूसरे क्रिएटर्स का कंटेंट यूज करके और बाद में भोसड़ी के कॉपीराइट स्ट्राइक भी तुम ही मारो। यार ये तो मतलब वही बात होगी, अजीब है तेरे नखरे, गजब है तेरा स्टाइल, गांड धोने की तमीज नहीं और हाथ में है मोबाइल। पिछले 2-3 घंटों से मैं वो सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देख रहा हूँ जो हमारी कम्युनिटी वाले लोग के बारे में बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि पिछले 3-4 घंटों में तूने इतनी वीडियोस देखी मगर तेरे को गांड मराने की इतनी चुल थी कि तूने अपनी ही वीडियो बना दी जो कि है टिकटॉक कम्युनिटी। गलत जवाब, तेरे टिकटॉक कम्युनिटी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तेरे जैसे पापा की परियों की गांड मार रहे हैं। आप लोग हमारी कम्युनिटी वाले लोग के कंटेंट को बोलते हो क्रिंज। तुम्हारे टिकटॉक की कम्युनिटी नहीं है कोई, मुजरा करने वालों की कम्युनिटी है, एक आधे को छोड़ के बाकी सब मुजरा करते हैं। यार हर कोई क्रिंज कंटेंट नहीं बनाता। टिकटॉक के ऊपर पूरे 90% क्रिंज वीडियोस है और जो बाकी के 10% है उनका क्रेडिट तो तुम लोग खा जाते हो। महीने में आप 3 कंटेंट बनाते हो वैसे भी, अगर आपके 3 कंटेंट है तो सारे यूट्यूबर्स कम्युनिटी सब वही कंटेंट कॉपी करने लग जाते हैं, वही बातें होती है। भाई बहन के वीडियोस तो सब भाई बहन के वीडियोस बनाएंगे, गोल्ड डिगर की वीडियो तो सारे गोल्ड डिगर के वीडियो बनाएंगे। अबे ओए लौड़े के बाल, यूट्यूब पे टाइटल सेम होने से अंदर का कंटेंट सेम नहीं हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें तुम्हारी भाषा में समझाता हूँ, अगर कोई यूट्यूब रोस्टर तुम्हारी ऐसे मार रहा है और कोई यूट्यूब रोस्टर तुम्हारी ऐसे मार रहा है तो दोनों में फर्क है ना। और कंटेंट कॉपी करने की बात करते हो, कुछ दिन पहले जो कैंडी शॉप का रंडाप मचाया था तुम सारे टिकटॉकर्स ने टिकटॉक के ऊपर, जिसमें एक ही गाने पे एक ही तरीके से एक ही स्टाइल में तुमने जो कॉपी करी थी सारी वीडियोस, उसको क्या कहेंगे लौड़े? तो गाइस मुझे इस बंदे को देख के कहावत याद आती है कि जिंदगी और झांटे उलझे हुए हैं। क्या बात है? जिंदगी और झांटे उलझे हुए हैं, इन्हें सुलझाने की कोशिश मत करो। और ये बंदा उन झांटों से भी ज्यादा उलझा हुआ है। हम लोग महीने के 3 कंटेंट नहीं बनाते, हम लोग दिन के 3 या 4 या 10 कंटेंट बना के पोस्ट करते। मतलब इस बकचोदी को अगर तुम कंटेंट बोलते हो तो ऐसा कंटेंट में दिन में 100 बार बना सकता हूँ। आप लोग भी कंटेंट क्रिएट करते हो, हम लोग भी कंटेंट क्रिएट करते हैं, हम लोग को कंटेंट क्रिएटर बोला जाता है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अगर इसको तू कंटेंट कहता है ना तो सही कहा था कैरी मिनाटी ने तेरे लिए। साला 6 साल मॉस्को क्या किया तूने? वक्त आने पर जवाब दूंगा, वक्त आने पर जवाब दूंगा। और ज्यादा बकचोदी करेगा तो तेरी गांड फाड़ दूंगा। अगर हम YouTube पे आ गए ना जिस दिन, उस दिन तुम्हारा वहाँ से भी मार्केट खत्म हो जाएगी। बकरी चले मटक मटक के, क्या बात है? बकरी चले मटक मटक के और YouTube पे अगर आया तो तेरी गांड फाड़ूंगा मैं पटक पटक के। एक्चुअली यार सारे टिकटॉकर्स को YouTube पे आ जाना चाहिए और इनसे अच्छा अच्छा कंटेंट पोस्ट करके ना इनको बताना चाहिए, इनका उधर से भी खत्म कर देना। कसम से इसकी बातें सुन के मेरा मन कर रहा है आकाश में जाकर फट जाऊं बहनचोद। एनीवेज YouTube पे कोई भी आ सकता है और आके अपना ओरिजिनल कंटेंट अपनी आवाज में ओरिजिनल कंटेंट अपलोड कर सकता है। वो कंटेंट वो 10 लाख के कैमरे से शूट करे या 10,000 के फोन के कैमरे से, मगर ओरिजिनल होना चाहिए, लिपसिंग वाला नहीं चलेगा यहाँ पे। खुद को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कहते हो तो ऐसे कंटेंट क्यों बनाते हो कि तुम्हारा अकाउंट ही 1 साल के लिए बैन हो जाए? मार तो दिया तुमने उस बेकसूर तबरेज अंसारी को, लेकिन कल जब उसकी औलाद बदला ले तो ये मत कहना कि मुसलमान आतंकवादी है। ऐसे कंटेंट क्यों बनाते हो कि लोग पब्लिक प्लेस में आपको मारे? ऐसे कंटेंट क्यों बनाते हो कि अगर लॉकडाउन चल रहा है फिर भी कुछ टिकटॉकर्स बाहर चले जाते हैं अपना कैमरा और आंखों में लेंस डाल के टिकटॉक वीडियोस बनाने? हम यूट्यूबर्स अगर अपनी वीडियोस में गाली दें तो उससे छोटे बच्चे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, उन पे बुरा इफेक्ट पड़ेगा, मगर तुम टिकटॉकर्स अगर अपने इंस्टाग्राम पे सुट्टा पीते हुए हुक्का पीते हुए अगर वीडियोस डालो तो उससे बच्चे इन्फ्लुएंस थोड़ी ना होंगे। सिर्फ यही एक पापा की परी थोड़ी थी, और भी मुजरे करने वाले बीच में कूद गए इसके साथ तो हमने उनको भी लपेट लिया। एंड बात रही यूट्यूबर्स की तो तुम लोग यूट्यूबर्स में तो कतई नहीं आते हो यार, ठीक है, थूक भी नहीं निकल रहा है। अबे ये तो वही है ना, अबे इसके गांड से कोई डंडा निकालो यार, पिछले 1 साल से एक ही मोड में बैठा हुआ है। तो चलिए गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और प्लीज यार सब्सक्राइब करके जाना। यार सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़े मेरे, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करके जाना प्लीज। प्लीज भाई, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, पीस।
लव यू गाइस। और हाँ, कोई टिकटॉकर अगर कमेंट सेक्शन में आके फुदके कि इसके तो 7000 सब्सक्राइबर्स है और ये हमें रोस्ट कर रहा है, तो एक बात बता दूं, यूट्यूबर के साथ एक सॉफ्टवेयर डेवलपर भी हूँ। कंटेंट यूनिक लाओ और क्रिएटिविटी यूज करो। हेलो फ्रेंड, चाय पी लो। घरों में और पहुंचाओ रे भड़वे तक मेरा वीडियो।